हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस फैमिली ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कम बजट में अपने मंदिर को कैसे कर सकते हैं ऑसम एंड ब्यूटीफुल। तो मेरी अगर ये टिप्स आपके कुछ काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल। हाँ, और मेरे चैनल के पास जो बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालती हूँ किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा मंदिर इस वक्त कैसा हो रखा है, क्योंकि मैंने अपनी आने इससे पहले वाली दो वीडियो में ये बताया है कि मेरे यहाँ काम हुआ था, तो उस वजह से मेरा मंदिर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। मतलब कि जैसे डस्ट वस्ट जो होता है वो बहुत उड़ चुका है। तो मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ इस वक्त कैसा हो रखा और गंदा क्यों हुआ, फिर मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना गंदा हो रहा है। सारा सीमेंट उड़ के साईं बाबा पे भी आ गया है। सारी फ़ोटो गंदी हो रखी है, आप देख सकते हैं डस्ट कितना आ रहा है फिंगर में। तो चलिए फिर करते हैं मंदिर को क्लीन और मंदिर का सारा सामान निकालते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी मंदिर की थाली अभी भी इतनी ही क्लीन है जितनी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी, आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करना कि आप अपने पूजा घर के मंदिरों को कैसे इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ठीक है, अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर कितना गंदा हो रखा है। पर्दा लगा था पर फिर भी मंदिर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी है। तो ठीक है फ्रेंड, इसको क्लीन करते हैं और साथ साथ आपके साथ अपना आइडिया भी शेयर करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी सारे भगवान जी को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ और आपको फिर आगे बताती हूँ कि मैंने क्या किया। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है धेनु गाय जो हम लाए थे वृंदावन से। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, इस तरह के बॉक्सेस आते होंगे आपके घर में भी ऐसे ढक्कन वाले, तो मेरे पास भी ऐसा एक बॉक्स है। ये मैं अपने मंदिर में रखती हूँ। ये किस लिए रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ, शायद आपके भी ये टिप्स कुछ काम आ जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, रुको मेरा कैमरा नीचे जा के। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बॉक्स किस काम आ सकता है। आप मार्केट से ऐसी छोटी छोटी जो डब्बियाँ होती है देख सकते हैं आप, ढक्कन वाली एक ऐसी और इस तरह की ये शीशी, तो ऐसी आप छोटी छोटी जो मंदिर में हमारे बहुत सा सामान होता है, जैसे ये गंगा जल, चंदन, रोली वाला टीका, और इसमें जैसे कपूर हो गया, लौंग हो गया, तो ये इजी से ना ये हम इधर उधर रखेंगे तो छोटे छोटे बॉक्सेस से तो गिर जाते हैं। तो हमें इस बॉक्स में, हम इसे इजीली इस बॉक्स में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो मंदिर का सारा सामान है वो एकदम अरेंज रहेगा, देख सकते हैं आप। अब मेरे पास दो तरह का चंदन है, और जैसे कि ये धूप की डब्बी होगी तो मैं ये सब इसमें रखती हूँ। बस इस डब्बे से ऐसे बंद कर देती हूँ, जब भी हमें चाहिए होता है इसे खोलते हैं और इससे यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारे मंदिर का जो भी सारा सामान है ना वो बिल्कुल अरेंज रहता है। जैसे हम अपने घर को, अपने किचन को अरेंज करते हैं, ऐसे हमें अपने मंदिर को भी इस तरह से ही रखना चाहिए कि जिस तरह से कि हम एकदम कोई आए उसकी नज़र अगर हमारे मंदिर पे पड़े, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लेडीज़ जो मतलब हम जैसे जो लेडीज़ होती हैं उनकी असली पहचान उनके किचन मंदिर से होती है, कि मतलब वो अपना किचन किस तरह से रखती हैं। अगर आपका किचन जितना अरेंज रहेगा, मैंने मेरी जो पहले वाली वीडियो गई है मैं उसका लिंक भी इसमें डाल लूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी थोड़ा मुझे स्पेलिंग मिस्टेक वो हो जाता है बोलने में, तो आप उसमें देखना कि मैंने अपने किचन को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। उसी तरीके से मैं अपना मंदिर भी अरेंज करके रखती हूँ कि ताकि एकदम बाय चांस कभी मेरा मंदिर खुला हो और एकदम से कोई आता है और वो मंदिर की तरफ देखता है तो उसे मंदिर ऐसा लगना चाहिए जिस तरह से हमारा घर है,
एकदम अरेंज और सुंदर, क्योंकि असली पहचान हमारी इन चीज़ों से ही होती है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली है, थोड़ा बहुत सामान रह गया, उनको भी फटाफट क्लीन करके मैं आपको सिखाऊंगी कि मंदिर कैसे आप एकदम सस्ते तरीकों से अच्छा बना सकते हैं। आप सोचेंगे यही बॉक्स क्यों, एक्चुअली मेरा इसमें कुछ खाने का सामान आया था, तो मैं ऐसे बॉक्सेस को ना रख लेती हूँ, तो ये जैसे बहुत सी चीज़ों में काम आ जाता है, जैसे कि हमारी सिलाई मशीन का या कुछ भी, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, तो हम इसको वॉश करके उसको ड्राई करके रख सकते हैं अपने पास, इसलिए मैंने ये बॉक्स यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अगर आपके पास ऐसे बॉक्स ना हो तो मार्केट से आप कोई भी बॉक्स अरेंज कर सकते हैं जो आपके मंदिर के साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। मेरे मंदिर के हिसाब से ये बॉक्स बिल्कुल ठीक है, कॉर्नर में आ जाता है, तो मुझे ये बिल्कुल ठीक लगता है। कहीं आप ये ना सोचें कि मैंने सस्ता जुगाड़ कर लिया, पर लेडीज़ों को सस्ता जुगाड़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको ना इस मूर्ति के बारे में बताना चाहूँगी। ये मूर्ति मेरी मम्मी ने हमारी शादी की सालगिरह पे गिफ्ट की थी। ये मेरी मम्मी और के वहाँ कीर्तन होता है ना, तो वहाँ से मेरी मम्मी के यहाँ थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लग रही होंगी ना। ये माँ वैष्णो देवी मतलब शिवरानी माता है, ये मेरे मंदिर में बहुत सुंदर लगती है। मैं इनकी इसकी इस फोटो की ना पिक जरूर डालूंगी इसमें, अगर आपको अच्छी लगे ना तो आप भी मार्केट से ज़रूर परचेज करना। ये रखी हुई बहुत सुंदर लगती है, बहुत बहुत सुंदर। ये आप पता नहीं आपको उस पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये ना अष्टमी वाले दिन मतलब दी थी ये नवरात्रों में, मेरी मम्मी लाई थी नवरात्रों में, फिर मुझे मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे। लग रही ना सुंदर बहुत। मेरा भाई शिरडी गया था, वहाँ से लेके आया था ये साईं बाबा का ना सिर्फ फोटो था, फिर मैंने फ्रेम कराया। ये ना रात के टाइम जैसे ये ट्यूबलाइट की जो रोशनी पड़ती है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं ग्रीन कलर से, जैसे कहते हैं ग्रीन ग्रीन शाइनिंग, बहुत इनका साईं बाबा का जो फेस है ना बहुत ग्लो करता है। ये शिरडी साईं बाबा मतलब जो मंदिर है ना, टेंपल है, वहीं से मेरे भाई ने गिफ्ट किया था मुझे। सुंदर है ना कितनी। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, शाइनिंग करते हैं नहीं करते, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, पर मैं एक वीडियो फिर देखती हूँ, इसमें बनाती हूँ, डालती हूँ। वेट अ मिनट। तो फ्रेंड्स, सानवी ने अंधेरा कर दिया, आपको दिख रहा होगा साईं बाबा कितने ग्लो कर रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर रात के टाइम ना, देखिए आप कितनी शाइनिंग कर रही है। अब जितनी देर तक मतलब अंधेरा रहेगा ना, पूरी रात साईं बाबा जी की फोटो ना ऐसी चमकती रहेगी, देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर है। अगर आपको भी कभी ऐसा कहीं पोस्टर मिले साईं बाबा या किसी भगवान का भी ना, तो आप जरूर परचेज करना, इनमें मतलब रात में ना बहुत ग्लो करता है। मेरे पास ना एक दो चीज़ें और हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, वो भी भगवान जी की है, हम लाए थे क्योंकि मंदिर में लगाओ ना रात को बहुत शाइनिंग करती है, तो बहुत सुंदर और बहुत प्रिटी लगता है। आप देख सकते हैं साईं बाबा का टीका भी देखो कितना चमक रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर आगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, वो है ये वीडियो में ना उल्टा लिखा रहा है, पर ये लिखा हुआ है संपूर्ण कुबेर यंत्र। ये ना मंदिर में बहुत अच्छा होता है, कहते हैं क्या होता है, ये हर तरह के जो यंत्र होते हैं जो मतलब हमारी लाइफ में थोड़ा उथल पुथल मचा देते हैं, तो इन्हें हमें अपने मंदिर में रखना चाहिए। ये ना बहुत कहते हैं कि इनकी धूप सुबह शाम करने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है घर पे। तो आप भी, मैंने तो ये दिवाली की शॉपिंग में लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऐसा लग रहा है, गोल्ड का है, लेकिन ये गोल्ड का नहीं, ये कुछ पता नहीं ऐसे कहते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड प्लेट ऐसे कुछ बोलते हैं कि उसका होता है। देख सकते हैं आप, कि अगर आपको भी कहीं मार्केट में मिले ना तो आप भी इसे ज़रूर अपने मंदिर या दरवाजे पे लगाना। मैंने ये दरवाजे पे नहीं, मंदिर पे लगाया हुआ है। आपको दूसरा भी दिखाती हूँ मैं, लक्ष्मी माता की फ़ोटो, वो भी ऐसी बहुत ग्लो करती है, देखिए एक वन मिनट। दूसरी फ़ोटो है मेरे पास लक्ष्मी माता की, ये लक्ष्मी माता का पूरा परिवार है, गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ, सिद्धि, ऐसे मतलब सारे भगवान जी है, सॉरी मुझे नहीं। ये भी मैं दिवाली की शॉपिंग में लाई थी, क्योंकि इसमें लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी पूजन में पूरा कैलेंडर या फ़ोटो भगवान जी की रखनी चाहिए, तो मैं ये जब ख़रीद के लाई थी,
इसको मेरे पास कम से कम हो गए हैं 3-4 साल से भी ऊपर हो, तीसरा मेरे को लग रहा है चौथा साल है, चौथा या पाँचवा साल है। आप देख सकते हैं इसको हल्का कपड़ा मारो ऐसे ही ना शाइनिंग करते हैं ये। तो अगर आपको भी मिले तो ज़रूर आप भी ख़रीदना, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये ना पोस्टर है, मतलब ऐसे निकल जाता है ये, मैंने ना इस एक मेरे पास फ़ोटो है उसके ऊपर ऐसे टेप से पेस्ट किया हुआ है, सुंदर लग रहे हैं ना। फ्रेंड्स मैं आपसे बात कर रही थी कि हम सस्ते तरीके से अपने मंदिर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, तो मैंने मार्केट से परचेज़ किया है ये पेपर, ये पैकिंग पेपर है, ये पेपर है, एक प्लास्टिक में आता है ये पेपर है, आप देख सकते हैं। मैंने रेड कलर का इसलिए चूज़ किया कि मंदिर में रेड कलर ही लगाते हैं और अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने ये रेड कलर का पेपर लिया है। तो इसे आप किस चीज़ की हेल्प से चिपका सकते हैं, तो मेरे पास तो फेमिकॉल भी है टेप की हेल्प से या ग्लू गन की हेल्प से, तो आपके पास जो सुविधा हो उससे आप इसे चिपका सकते हैं। मैं इस वक्त यूज़ करूँगी फेविकॉल क्योंकि मैंने ग्लू गन ना गर्म ही नहीं करी तो इसलिए मैं फेविकॉल की हेल्प से आपको ये पेपर चिपका के दिखाऊंगी कि मेरा मंदिर कैसा लगेगा। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं अब मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मेरी मंदिर की जो ये वॉल है ये इस तरीके से हो रखी है, मैंने कुछ नहीं चिपकाया है, ये प्लेन है बिल्कुल। तो अब मैं बताती हूँ मैं इसे कैसे डेकोरेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं चिपका लेती हूँ एक पेपर, पहले मैंने फेविकोल लगा लिया चारों तरफ, फटाफट मैं तीनों पेपर ऐसे ही लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लुक चेंज आ गया है, तो देख सकते हैं आप पहले मंदिर कैसा लग रहा था और अब कैसा। ये सिर्फ 30 रुपीज़ में मंदिर का जो लुक है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा और कुछ बताऊंगी, इस जगह के लिए पेपर पड़ गया है कम, तो मैं इसमें प्लेन रेड कलर का पेपर बिछा दूंगी ताकि ये पूरा एक जैसे लगे। आप देख सकते हैं ये तिकोना है, तो मैंने यहाँ टेप मैंने इसको फेविकोल से ही पूरा चिपका दिया। तो फ्रेंड्स मैं बिछा लेती हूँ कपड़ा क्योंकि पेपर लग चुके हैं। मैंने पहले ऐसे ही सोचा कि तस्वीर रख लेती हूँ और जो मेरा लकड़ी का मंदिर है थोड़ा ख़राब हो रहा है उसको हटा लेती हूँ, पर फिर मेरा मूड चेंज हो गया। तो पहले चिपकाते हैं हम श्री यंत्र क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सॉरी कुबेर यंत्र, तो मैं चिपका लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मंदिर हटाना ठीक नहीं है, तो दोबारा से मैं अपना मंदिर रखती और उसमें तो ठीक है। फ्रेंड्स मैं लगाती हूँ भगवान जी की फ़ोटो, आप देख सकते हैं मैंने मंदिर नहीं हटाया, वो इसलिए नहीं हटाया क्योंकि एक हफ्ते पहले ही मैंने मंदिर में किया था पेंट और फिर मुझे लगा मंदिर हटाना अभी ठीक नहीं है। मैंने सारी फोटो में आपसे एक चीज़ शेयर करना तो भूल ही गई, ये है छोटे से गन्नू मतलब गणेश भगवान, दिख रहे हैं आपको ये। तो मैं ये लाई थी टेड फेयर से, ये जो पत्थर होता है ना वाइट पत्थर ये उसके बने हुए, आप देख सकते हैं इस पर ना कितना सुंदर, ये अलग भी हो जाते हैं, ये इनका आसन है और ये गणेश भगवान है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर कारीगरी की हुई है, देख सकते हैं आप, देखिए उनके आसन में कितना सुंदर बना रखा है ना। मुझे ये बहुत पसंद आए थे, ये पटरे के ऊपर ऐसे गणेश भगवान जी का ना आसन बना हुआ है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये मैंने टेड पेड़ से खुद खरीद के दो पेयर लाई थी मैं, एक मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था, एक मैं अपने लिए लेके आई थी। उस वक्त ना गणेश चतुर्थी चल रही थी तो फिर मैंने सोचा हम भी अपने घर गणेश भगवान जी लाते, पर मैंने परवाह ही नहीं थी, मैंने तो रखने के लिए ही लाई थी, तो मैंने कहा हर हमेशा गणेश भगवान भी होने चाहिए हमारे साथ। मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, ये है गणेश भगवान और सॉरी ये है शेरे वाली झंडे वाली माँ और ये है गणेश भगवान, ये ना अष्ट धातु के बने हुए, आपको दिख रहा होगा। तो ये भी ना बहुत अच्छे होते हैं मंदिर में, ये भी मैं टेड फेयर से ही लाई थी, बहुत सुंदर लगे मुझे तो मैंने कहा मैं अपने मंदिर में भी रखूँगी। एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, मैं दिखाती हूँ ये मेरी मम्मी वैष्णो देवी गए थे ना वहाँ से मेरे लिए, मतलब मेरी गाड़ी के लिए गिफ्ट लेके आए, चाहे आप इसे गाड़ी में चाहे मंदिर में लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इन्हें अपने मंदिर में रखा हुआ है, ये वैष्णो देवी से सीधा हमारे पास आई है माता रानी हमारी गाड़ी में। और ये है साईं बाबा की फ़ोटो
ये जब हमने गाड़ी परचेज की थी उस वक्त हमें ये मिले थे, तो ये भी मैं अपने मंदिर में ही रखती हूँ। कैसे लग रहे, सुंदर लग रहे हैं ना, प्रिटी। तो गाइस अभी अब आ रहा है जो सिल्वर कलर का मंदिर है, इसमें मैंने मम्मी को एक आइडिया दिया। हमारे पास रेड टेप पड़ी थी तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी ये रेड टेप हम यहाँ कॉलम लगाते अच्छी लगी, तो मम्मी ने रुक के कहा मम्मी ने नाइस आइडिया, तो हम लगा रहे अभी इसको मंदिर में लगा रहे पूरे। हम क्या कर रहे, हमारी मंदिर का जैसे सिक्स है वहाँ पर पूरा टेप करके लगा रहे, आपको दिखाते हैं आपको यहाँ से दिख रहा भी होगा। सानवी ने दिया मुझे आइडिया, ये रेड कलर की शाइनिंग टेप है, तो जो मेरे मंदिर के पिलर है वो दोनों, मतलब एक में मैंने लगा दी, दूसरे में मैं लगाती हूँ। सानवी का आइडिया अच्छा है तो मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेश टेप मेरे पास और बचे तो मैंने सानवी का आइडिया जो है वो मैंने ये जो कोने इन पर भी लगा दी, इससे लुक और भी अच्छा है। फाइनल मंदिर हो चुका है रेडी। तो मैंने मंदिर के पर्दे के लिए ये लोहे की तार है वो लगाई है। आप सोचेंगे तार क्यों लगाई, तार मैंने इसलिए लगाई है कि जो मंदिर में स्प्रिंग आती है ना, मैं वो मतलब जो हम पर्दों के लिए कर्टन के लिए अधिकतर यूज़ करते हैं, तो मैंने भी वो स्प्रिंग यूज़ करी, तो ये दीवार थोड़ी वैसी है तो स्प्रिंग गिर जाता है, तो इसलिए मैंने ये लोहे की वायरिंग यूज़ की है। तो इससे मैंने कील से जुगाड़ करके इसको अटका रखा है कि ताकि मंदिर में पर्दा लगा रहे। तो ठीक है, मैं फाइनल पे पर्दा। तो मेरे पास है ये नेट का फैब्रिक, ये मैं इसी दिवाली पे लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से है, ये एक थान में कपड़ा था उसी से मैंने कटवाया, आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। तो ये मैंने अपने वाइट वॉश के अकॉर्डिंग लाई थी, ये है गाजरी कलर का, क्योंकि मंदिर में अधिकतर पेंट गाजरी या रेड कलर का ही पर्दा लगता है, तो मैं इस कलर का लगाऊंगी। तो मैंने ये सील नहीं रखा क्योंकि मैं हर दूसरे दिन पर्दा चेंज करती हूँ, मतलब वॉश करती हूँ धो निकालने के लिए, तो ये वायर है तो वायर में अगर मैं सिल के डालूँ तो फट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको किस तरह से डालती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं डालती हूँ जो इसका ये वाला हिस्सा है, मतलब ये आपको दिख रहा होगा कटिंग का, मैं इन्हें कॉर्नर पर ले आती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मंदिर हो चुका है हमारा बिल्कुल तैयार, तो अब मैं सिर्फ चुन्नी उड़ानी है साईं बाबा को, मैं चढ़ा देती हूँ और गुन्नू ने जला दी है मंदिर की लाइट। और गाइस मैं आपको यहाँ पर एक हैक बताती हूँ, मैंने वो मम्मी से बिना पूछे करा है। ये जो बेल है इसको मैंने इस टेप से डेकोरेट कर दिया है, इस तरीके से मैंने नीचे नीचे करा, ऊपर नहीं करा है, देख सकते आप कितना ब्यूटीफुल है। यस माय जुगाड़। तो फाइनल मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर, आप देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल अरेंज है, बॉक्स का भी सही यूज़ किया है, जो भी छोटा सामान है सारा इसमें आ गया है। ये गुन्नू ने मेरी ये पुरानी घंटी है उसको देखना क्या कर दिया, मैंने इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा सामान कैसे अरेंज है, सब कुछ इधर आप देख सकते हैं, माता वैष्णो की फ़ोटो और मंदिर में सारा सामान हमारा लग चुका है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा मंदिर हो गया है बिल्कुल सुंदर एंड ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं हर सामान अपनी जगह पे है, बॉक्स का सही उपयोग किया गया है, हर सामान अरेंज है। मंदिर भी दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से, देखिए सारे भगवान जी बिल्कुल अपनी जगह पे है, जगह कम है पर मैंने उसी हिसाब से सारे भगवान जी को एडजस्ट किया हुआ है। मैं ऊपर से दिखाती हूँ, साईं बाबा मैंने ऊपर इसीलिए रखे हैं क्योंकि वो ग्लो करते हैं इस वजह से, और ये माता रानी। तो फाइनली मैं आपको मंदिर थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। गाइस अगर आपको हमारा ये मंदिर का ब्लॉग एडजस्ट करने का अच्छा लगा तो आप भी जरूर लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि
हम कोई भी वीडियो डाले तो वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर कमेंट में ये जरूर लिखना क्या, जय माता दी। जी, जय माता जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। Yes.